मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मंदिरों में तीर्थ स्थानों में कभी मोबाइल लेकर के मत जाना। बच्चे ने पूछा क्यों? क्योंकि मोबाइल सबसे बड़ा विकल्प है, क्योंकि नाम है मोबाइल, मुंह का निकले जिसमें ऑयल उसको कहते हैं मोबाइल, जो खत्म कर दे तुम्हारे अंदर की स्माइल उसे कहते हैं मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा विकल्प है। यदि हम मंदिरों में तीर्थ स्थानों में मोबाइल लेके जाएंगे तो हम अच्छे से भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आप भगवान के सामने खड़े हो, अभी आप देख रहे हैं पीछे भगवान के सामने खड़े हैं, वहाँ पर यदि आप कायस्थ कर रहे हैं, नमोकार पढ़ रहे हैं और उसी समय मोबाइल की घंटी बज जाए, क्या आप नौ बार नमोकार पूरा कर सकते हो? इसके बाद जितने लोग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भगवान का जाप कर रहा होगा, कोई भगवान की अर्घ समर्पित कर रहा होगा, कोई भगवान का अभिषेक कर रहा होगा, जैसे ही आपकी मोबाइल की रिंगटोन बजेगी उसको विकल्प आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो कर्म का बंध किसे हुआ? जिसने पूरे मंदिर के श्रावकों को डिस्टर्ब किया उसे तीव्र ज्ञानवाणी दर्शनवाणी और अंतराय कर्म का आश्रय और बंध हो गया। फिर आज आप तो अंतराय में आए ही, क्यों आए? क्योंकि आप नौ बार नमोकार पूरा नहीं कर पाए। उंगलियां तो घुमा लोगे, उंगली घुमाते घुमाते एक ही विचार आएगा, किसका फोन है, दुकान से तो नहीं आया, कहीं रिश्तेदार का तो नहीं आया, फिर एक विकल्प, कहीं पत्नी का तो नहीं आ गया, उसने सब्जी का बोला था, शायद वो सब्जी याद दिलाने के लिए फोन लगा रही है। आपका मन नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ने में नहीं लगेगा। इसके बाद जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो, कितनी मुश्किल में आप देखिए शिखर जी पर पहुंच पा रहे हैं, कैसे चढ़ रहे? उस शिखर जी पर चढ़ने के बाद आप चौपड़ा कुंड तक पहुंच गए, चंद्रपुर भगवान के टॉप तक पहुंच गए, और वहां पर किसी ने फोन लगा के बोल दिया कि तुम्हारे दुकान में आग लग गई। आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, आपका बच्चा छत से नीचे गिर गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और कोई खुशखबरी सुना दे कि आपके परिवार में पोता हुआ है, बच्चा हुआ है, क्या आप उस समय चावल चढ़ा पाओगे, अष्टद्रव्य समर्पित कर पाओगे? अर्थात जो कर्म बंध राजा सृणिक के जीवन में हुआ, रावण के जीवन में हुआ, रावण शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाया, राजा सृणिक सम्मी शिखर की यात्रा नहीं कर पाया, तो जो एक बार नरक गति का बंध कर लिया करता है वह कभी शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाता है। लेकिन एक बार जो शिखर जी की यात्रा बड़े भाव के साथ करता है, भाव सहित वंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई, यात्रा नहीं कर पाया, और आपने इतने लोगों को विकल्प पैदा किया, आपको खुद विकल्प हुआ, आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इतने दूर जाने के बाद खाली हाथ लौट करके आए हो, इसमें सबसे ज़्यादा कर्म बंध मोबाइल के माध्यम से हुआ। आपकी यात्रा अधूरी किसकी वजह से हुई? एक मोबाइल की वजह से। इसलिए जब कभी मंदिरों में जाएं, तीर्थ स्थानों पर जाएं, धर्म ध्यान करें, सामायिक करें, चिंतन मनन करें, उस समय आप मोबाइल को जहां जूते चप्पल उतारते हो वहीं छोड़ देना, आपकी यात्रा बहुत अच्छी तरीके से होगी। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मोबाइल लेके मंदिर में बैठे हो, ये मान के चलना आप इस समय भी आप दुकान पे बैठे हो, शरीर से मंदिर में हैं, मन से आप दुकान पे बैठे हो। यदि आप दुकान पर बैठकर के भगवान को याद कर रहे हो तो शरीर से भले ही आप दुकान पे बैठे हो लेकिन मन आपका मंदिर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंदिर मन दिर जो मन के अंदर स्थिर हो जाए उसको कहते हैं मंदिर। आपका मन मंदिर बने, आपका शरीर तीर्थ स्थान बने, इसलिए आप मोबाइल से प्रेम से सुना अनुग्रहित।